गैराज में जा गाड़ी देते हैं वहाँ से। कल लास्ट टाइम तो मैं हॉस्पिटल में था, गैराज में जाता हूँ। रुकने बुलाई थी तो ओपन किया लोग। ओए यार, यू हैव नो ड्राइविंग लाइसेंस, ये क्या लोचा हो गया? वो तेरी ऐसी की तैसी यार गाइस, बहुत ज़्यादा लोचा हो गया यार। ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना अपना एक्सपायर हो गया, 30 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाना पड़ेगा मुझे। ये भी लोचा हो गया यार, अभी मुझे जाना है उधर ड्राइविंग लाइसेंस वाले के पास। अभी साइकिल तो स्लिप हो गई रास्ते में से, ड्राइविंग लाइसेंस इधर से बहुत दूर है भाई, ये है इधर से तकरीबन 1.5 मील के फासले पे। चलो चलते हैं फिर भाई। बारिश जो है ना आज शहर में रुकने का नाम नहीं ले रही, वो टूटना चाहिए बस। इधर जाना, ड्राइविंग लाइसेंस वाले के पास आ चुका हूँ मैं, ताकि इधर से लाइसेंस बनाए अपना सुकून से। देखते हैं, इसको ट्राई देनी पड़ेगी। खिजर है वो सोनू, क्या हाल है? हाजी हाजी आ ठीक है, हाजी का लाइसेंस एक्सपायर हो गया। हाजी अभी साइकिल पे आ गया गाड़ी से, वो ड्राइविंग लाइसेंस वाले के पास आया हूँ लाइसेंस बनवाने के लिए। इसको भी ट्राई देनी है मैंने। और शहर के हालात भी बड़े ख़राब हैं, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। इस बोट को भी मैंने ट्राई देनी है गाड़ी Hey, की। Rachel, what's up? आई वांट ड्राइविंग लाइसेंस, वाटर ट्रांसपोर्ट। और चल यार, ड्राइविंग लाइसेंस दे चुकी, ये गाड़ी में इसने बिठा दिया, अब मुझे ना ट्राई लेगा, पूरे शहर को चक्कर लगवाएगा। उसके बाद जाके देखेगा कि अगर मैंने सही इसको ट्राई दे दी तो ये मुझे पास करेगा, लाइसेंस दे देगा। अगर मैंने कोई गलतियाँ की तो ये मुझे लाइसेंस नहीं देगा। स्पीड लिमिट के हिसाब से होता है इसका सीन सारा। तो इस तरह गाइज, अगर आप आओ ना ग्रैंड आरपी में तो आप इस तरह ले सकते हो लाइसेंस। ग्रैंड आरपी में आपको गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस बाय करने के लिए ट्राई देनी पड़ती है। इस तरह ये आपका भाई दे रहा ट्राई। और स्पीड लिमिट जो है ना इसकी 100 लिमिट होती है, 100 से ऊपर करोगे ना तो आपकी वो मिस्टेक्स में आ जाएगा, काउंट हो जाएगा, जिस वजह से फिर आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, $500 भी ज़ाया हो जाएंगे। मैंने इसकी स्पीड फिक्स कर दी है गाड़ी की, 92 से ऊपर नहीं जाएगी गाड़ी की स्पीड। सिर्फ ये लाइसेंस देने के बाद फिर भाई आपका चेक चिकेगा गाड़ी को। ये सिटी की लिमिट है भाई, अभी ये जो गाड़ी की स्पीड यही रखनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा नहीं करनी, तो हमें वो लाइसेंस नहीं मिलेगा हमारा। बस इधर 90 पे फिक्स कर दिया स्पीड। अब देखो, अब किसी के साथ टक्कर चक्कर ना हो जाए, ब्रेक लगी तो स्पीड गई। अभी यार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी बड़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई, कसम से। जब शुरू शुरू के दिनों में ना मुझे पता नहीं था कि मैं स्पीड से गुजारता था इनके अंदर, ये जो इन्होंने बनाए हुए हैं नेविगेशन टाइप। यार ये ट्राई दे रहा हूँ गाड़ी की ना, स्टार्ट के दिनों में मुझे पता नहीं था मैं स्पीड से निकालता था इसके, फिर मैं कहता था यार मुझे लाइसेंस नहीं मिला, मिस्टेक्स होती थी, ये मिस्टेक्स कौन करता है ये बंदा। बस ये एक चक्कर रह गया शहर के, एक चक्कर लगा के वापस आ गए। ये देखो लोग हेलीकॉप्टर पे भी ट्राइयां दे रहे हैं लाइसेंस लेने के लिए, हेलीकॉप्टर का लाइसेंस लेने के लिए। मेरे पास था लेकिन यार मुझे चाहिए नहीं ना उसके, प्लेन वाले बहुत मुश्किल है यार ट्रैक हेलीकॉप्टर का। ये बना लें यार साथ, वो भी क्या कहते हो भाई, हेलीकॉप्टर का भी साथ ही बना लूँ मैं। चलो बनाते हैं यार हेलीकॉप्टर का बेच के बाद साथ ही, वो भी कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है हमें। कभी कभी कोई हेलीकॉप्टर चुराना पड़ सकता है, उड़ाना पड़ सकता है, कोई इस तरह का सीन हो जाता है और लाइसेंस नहीं होता हमारे पास तो रोला हो जाएगा फिर। अभी तक हमने एक भी मिस्टेक नहीं की, क्योंकि 100 से ऊपर जाओगे ना फिर आपकी मिस्टेक में काउंट होगा। बस ये थोड़ा सा रह गए चक्कर, उसके बाद फिर जो है ना हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाना है। जा गाड़ी उधर ही खड़ी करनी है वापस, तो जानबूझ के मैंने लंबे रूट पर दिया है, इसने आज रूट दिया है लंबा, ताकि जो फुल टेस्ट ले सके, इसको ये चेक करना कि हमें गाड़ी चलानी आती है कि नहीं आती। बस इसी वजह से मैं 100 के पास आस पास भी नहीं जा रहा मैं,
टच ही नहीं कर रहा 100 के साथ स्पीड को। जब मैंने 100 के साथ स्पीड को टच कर दिया ना तो मेरा सारा लोचा हो जाना भाई। एक दफ़ा भी इसकी गाड़ी को नहीं ठोका, वो गलती से ट्रैक से नीचे उतर गई थी। बस जी इसकी गाड़ी को पार्किंग पे लगाना है और हमें लाइसेंस मिल जाना है। ये लो लाइसेंस मिल गया भाई।